नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आदिवासी आश्रमशाला मसौना में एक आदिवासी बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाती है। पहले तो उसका स्थानीय रोगनालय में उपचार करवाया जाता है, उसके बाद वहां से तबीयत बिगड़ जाने पर उसे इरविन अस्पताल में ट्रांसफर किया जाता है। इरविन अस्पताल में 2 दिनों तक उसका उपचार चलता है, फिर रात के अंधेरे में अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कुछ समाज से भी संगठन आगे आते हैं और वह आदिवासी बच्ची की मृत्यु को लेकर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि जिन हालात में बच्ची की मृत्यु हुई है वो संदेहास्पद है। सर, सदर मूल की आदिवासी है गौरी मुन्ना जामुनकर, वयस 14 वर्ष। तिला 2 दिवस अगोदरपासून पोट दुखत होती आणि शेवर ॲनिमे म्हणून इरविन हॉस्पिटलमध्ये भरती केली, पण अचानक रात्री तिच्या मृत्यूची घटना आम्हाला कळून आले तेव्हा आम्ही विद्यार्थी संघटनेचे आणि युवा क्रांती दलाचा कार्यकर्ता आणि भीम आर्मीचे बहुसंख्य कार्यकर्ते इथं जमून आम्ही ते प्रकरण उठण्याचे प्रयत्न केले। सर, आम्हाला हे प्रकरण अतिशय संदिग्ध असं वाटून राहिलं आणि याच्या अगोदरही आदिवासी आश्रमशाळा मसोना इथे बलात्काराचा केस होत होते आणि मागील वर्षी सर एक मुली जळून मृत्यू पावले होते सर, आणि हा केस पण अतिशय दुर्दैव असं मृत्यू पावले, त्याच्यामुळे याच्यावर कडी कारवाई होनी चाहिए असे आम डिमांड कर रहे हैं। या प्रकरणात तुम्हाला काय संशय आहे? या प्रकरणामध्ये सर आम्हाला असं वाटतं की त्याच्या युरिनमध्ये रक्त निघत होते म्हणे आणि पोट दुखत असल्या कारणाने तिचा मृत्यू झाली असं आम्हाला शक आहे। आदिवासी आश्रम शाळा में इसके पहले भी इस तरह के कई प्रकरण हो चुके हैं। वहां पर इसके पहले भी बच्चियों के रेप जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है। इसी वजह से अभी भी कई संगठनों की ओर से संदेह जाहिर किया जा रहा है और वह इस प्रकरण में जांच की मांग कर रहे हैं। या मुलीचा जो पर्यंत इन कॅमेरा पोस्टमार्टम होणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून तिची डेड बॉडी उचलणार नाही, आणि ज्या आश्रम शाळेत या वारंवार घटना घडतात त्या घटनेचा आम्ही आज निषेध करतोय आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची डिमांड। इरविन अस्पताल में जांच की मांग को लेकर और ऑन रिकॉर्ड पोस्टमार्टम की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बच्ची के परिवार वालों को भी किसी तरह के दुर्व्यवहार का संदेह है। वो भी चाहते हैं कि अगर इस मामले में कुछ भी गलत हुआ है या फिर उनकी बच्ची गौरी मुन्ना जामुनकर के साथ कोई अन्याय या अप्रिय घटना घटी है तो फिर वह सामने आना चाहिए और उसके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए।